स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। प्रकृति जननी है, जीवन है। प्रकृति अतीत है, वर्तमान है और भविष्य है। इसी बात को आधार मानकर दैनिक जागरण समाचार पत्र द्वारा आओ प्रकृति में निवेश करें नाम से एक मुहिम चलाई हुई है, जिसके तहत आज प्रदेश भर में दैनिक जागरण द्वारा पौधारोपण करवाया गया। पौधारोपण का यह कार्यक्रम दैनिक जागरण के सिढौरा प्रतिनिधि कुलदीप कुमार के सौजन्य से किया गया। उनके निमंत्रण पर सामाजिक धार्मिक संस्थाओं के लोग उपस्थित हुए। उनके द्वारा पौधारोपण का कार्यक्रम सिढौरा के पार्क में किया गया। इसके अलावा स्कूल कॉलेजों के विद्यार्थियों ने भी इस पौधारोपण के कार्यक्रम में हिस्सा लिया और दैनिक जागरण की इस मुहिम को एक अच्छी मुहिम बताया। रिटायर कर्मचारी संघ के सचिव रामेश्वर जी, बताइए जरा आज का कार्यक्रम के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपके स्टेट न्यूज 71 का स्वागत करता हूं। जी जी जी, धन्यवाद करता हूं। और जो प्रकृति में निवेश की जो मुहिम ये दैनिक जागरण जो अखबार है के द्वारा चलाई गई है, बहुत ही अच्छी है। और इसमें मैं यूँ कहता हूँ कि इसमें और भी इसको और ज़्यादा उसमें उठाया जाए, चलाया जाए इसको, क्योंकि प्रकृति जो होगी तो पर्यावरण भी ठीक हो रहेगा और बहुत ही बढ़िया रहेगा। बरसात भी होगी पर्यावरण, क्योंकि आजकल पेड़ पौधे तो रहे नहीं हैं, तो जितना भी ये पेड़ पौधे हम लगाएंगे उतना बढ़िया रहेगा। मैं इस मुहिम को सलाम करता हूँ और टायर कर्मचारी संघ से दैनिक जागरण को बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए चुग साहब, श्री कृष्ण कृपा सेवा समिति, दैनिक जागरण की बहुत बड़ी ये मुहिम प्रकृति में निवेश, क्या कहेंगे? नमस्कार जी। सबसे पहले मैं न्यूज 71 का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जी जी कि आज ये वृक्षारोपण के ऊपर इन्होंने अपना आप सेवा दे रहे हो जी जी। और मैं तो समाज में भी यही एक मैसेज देना चाहूंगा कि प्रकृति को बचाना है तो इसके ऊपर पौधों का पूरा इनका ध्यान करें, पौधे लगाएं और इनको बढ़ावा दें। दैनिक जागरण के बारे में क्या बोलेंगे? दैनिक जागरण का भी बहुत ये मुहिम चलाई है, उसका भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। पार्षद जी गोपाल जी हमारे साथ एमसी साहब जुड़े हुए हैं जी, क्या कहेंगे अखबार की मुहिम के बारे में? देखो जो अखबार द्वारा जो ये मुहिम चलाई गई है पौधारोपण की, ये बहुत अच्छी मुहिम है। पौधे हमारे जीवन के अंदर जो है ना, पौधों का बहुत महत्व है। आज जो चारों तरफ जो बाढ़ का प्रकोप आ रहा है, वो पौधे पेड़ पौधे अधिक न होने के कारण जो है ना धरती पे जो है ना इस किस्म का कटाव हो रहा है। इसलिए जो है ना, अगर आपने अपने जीवन को बचाना है तो पौधों को लगाना बहुत जरूरी है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी मुहिम के तहत भाजपा के वरिष्ठ नेता सुमित जैन जी, वजीर चंद, हमारे वाइस चेयरमैन लवली देवेंद्र सैनी और मोनू जी, सुरेंद्र बख्शी जी और हमारे एमसी सर जीवन जी, वजीर चंद भाटिया जी और सेरा साथ में सुरेंद्र बख्शी के साथ पौधारोपण इस वक्त कर रहे हैं। दैनिक जागरण मुहिम प्रकृति में निवेश, इस नाते से इस मुहिम को बल देते हुए और चेयरमैन के प्रतिनिधि के रूप में हमारे भाई मोनू जी इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। करेंगे सुमित जैन जी। सुमित जैन साहब, दैनिक जागरण की इस मुहिम के बारे में क्या कहेंगे आप? ये पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत बढ़िया अभियान है जी जी जी। दैनिक जागरण का, और ये अभियान जारी रहना चाहिए जी जी जी। वजीर चंद जी, दैनिक जागरण का जो ये अभियान है पर्यावरण को बचाने के लिए, ये इसके लिए पार्क में जो लगाया है हमारे वरिष्ठ बीजेपी नेता सुमित जैन जी, हमारे जो पार्षद हैं जी, इनके लिए इनका सतपाल जी का अधिक धन्यवाद जी। जी सर जीवन जी, हाँ जी, दैनिक जागरण के द्वारा जो पौधारोपण किया जा रहा है, इसके मुहिम के तहत इस शहर में लगभग सभी जगह यही पौधारोपण दैनिक जागरण के तहत लगाया जाए, जिससे शहर में हरियाली हो, प्रदूषण से की समस्या खत्म हो, यही आशा के साथ हम अपने शहर में पौधारोपण की कर रहे हैं। सर जीवन जी, लगातार मुहिम के तहत लगातार स्कूलों में बच्चों के माध्यम से लगाए जा रहे हैं, संस्थाओं के माध्यम से, ये बहुत बढ़िया मुहिम है जी। वाइस चेयरमैन आप लवली जी क्या कहेंगे? मैं दैनिक जागरण का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने सबसे बढ़िया मुहिम चलाई है जो प्रकृति के लिए बहुत जरूरी है जी जी जी, और जिससे पर्यावरण जो है बहुत अच्छा साफ स्वच्छ रहता है, इसके लिए मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी जी। मनु जी, सबसे पहले तो हम दैनिक जागरण का हार्दिक धन्यवाद करते हैं जिन्होंने ये मुहिम हमारे शहर में चलाई, जिससे कि हमारे यहाँ पौधों से जो अच्छी जलवायु और वातावरण स्वच्छ रहे, और जिससे कि इन पौधों से फल और फूल लोगों को मिले, और हमारे यहाँ कहने मतलब अच्छा पर्यावरण रहे जी जी जी। तो मुहिम का अच्छी मुहिम है, इससे बहुत
सबको बहुत फायदा मिलेगा जी, और सबको पौधारोपण करना चाहिए जी। धन्यवाद सुरेंद्र बख्शी जी, त्रिवेणी नगर खेड़ा समिति के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ आए हैं जी। बख्शी साहब क्या क्या कहेंगे इस मुहिम के बारे में? जो पौधारोपण मुहिम चल रही है ये बहुत अच्छा हो रहा है और हम कहते हैं आगे भी ऐसे चलता रहे, तो इस काम सबका इनका धन्यवाद करते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी मुहिम के तहत पूर्व खंड शिक्षा अधिकारी अख्तर अली जी, भाजपा के मंडल अध्यक्ष पवन सैनी जी और हमारे पीर बुद्धूसा गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के हमारे कुलविंदर सिंह चड्ढा, शिवगढ़ पे सेवा मंडल के अध्यक्ष नरेश बख्शी जी और हमारे जसवंत सिंह जी रिटायर्ड सचिव, इनके हाथों से इसी मुहिम के तहत पौधारोपण किया जा रहा है, आप देख सकते हैं। दैनिक जागरण की इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए ये अलग अलग संस्थाओं के लोग यहाँ पर आकर पौधारोपण कर रहे हैं। हमारे जागरण के प्रतिनिधि कुलदीप हर्ष जी के उसमें मार्गदर्शन में आप देख सकते हैं जी। पवन सैनी जी, आज जागरण की मुहिम थी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मुहिम? ये बहुत अच्छी मुहिम है, मैं इसके लिए आपने, क्योंकि मैं इस अखबार का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ और मैं कई सालों से ये अखबार ले रहा हूँ, मैं इसके लिए आपने इस मुहिम का, अपने पत्रकार भाइयों का भी और जो हमारा अखबार है उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण ये है कि क्योंकि ये जो आज कटाव हो रहा है जो बारिश की वजह से हो रहा है, अगर हम पेड़ पौधे अधिक से अधिक लगाएंगे तो निश्चित रूप से इसको पर्यावरण को भी फायदा होगा, समाज को भी फायदा होगा। और ये जो इतना कटाव हो रहा है पहाड़ों का, ये जी, 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 जी। ये सिर्फ हमारे पौधे लगाने से ये ठीक हो सकता है, तो मेरा इसके सभी साथियों से, हमारे जितने भी पदाधिकारी भी हैं, पार्टी के भी हैं, जो अन्य लोग भी हैं साथी, सभी से ये अपील करता हूँ कि इस दैनिक जागरण का जो ये अभियान है इसको सफल बनाने में सब पेड़ पौधे जरूर लगाएं जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बीओ साहब क्या कुछ कहेंगे इस मुहिम में? ये दैनिक जागरण नाम भी बहुत ही सुंदर रखा है इसका, प्रकृति में निवेश, बहुत बढ़िया। क्योंकि हम कहीं बैंक में किसी भी अपना पैसा जमा कराते हैं, वो भी कहीं 6 महीने बाद, साल के बाद वो रिटर्न देना शुरू कर देता है, लेकिन यहाँ पर जैसे ही पौधा लगाते हैं, जैसे ही पौधे ने जमीन में अपनी जड़ें पकड़ी है, पत्ते ऊपर हुए, पानी दिया, तो साथ के साथ अपना वो जो प्रकृति का एक चक्कर है जी 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 जी, और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को तो शोषित करना, ऑक्सीजन छोड़ना शुरू कर देता है। बहुत बढ़िया बात, जो है रिटर्न एकदम से शुरू। बहुत बढ़िया बात कही, दैनिक जागरण ने बहुत अच्छी एक शुरुआत की है। वैसे भी हर साल सरकार की तरफ से हमारा जो है वन महोत्सव किया जाता है, पौधारोपण का कार्यक्रम किया जाता है, तो उसके कंधे से कंधे हम मिलाकर काम कर रहे हैं, तो सरकार का जो एक प्रयास है, एक उन्होंने शुरुआत करी, उसमें के साथ अपना पूरा सहयोग कर रहे हैं दैनिक जागरण, तो इसके लिए हम बहुत तहे दिल से उनका धन्यवाद दिया है। और सभी हम अपने श्रोताओं से, जितने भी अपने देशवासियों से अपील करते हैं कि इस माह में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तरफ से पौधारोपण करें, ताकि हमारी बढ़ती आबादी जो है और बढ़ते जो हमारे व्हीकल हैं, हमारे धुआं छोड़ते हैं, फैक्ट्रियाँ लगी हैं, इससे निपटने का यही एकमात्र उपाय है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम पौधे लगाएं। बहुत बढ़िया बात, धन्यवाद जी। बख्शी साहब, हम दैनिक जागरण की पूरी टीम का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने कि इस मौसम में पौधारोपण के बारे में सोचा, और हम अपने पत्रकार भाई हर्ष जी का भी आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने आज पार्क में एक पौधा लगवाया, और हमारी तो ये मुहिम यहाँ चली रही है पार्क के अंदर जी जी जी, कि किसी का भी कोई जन्मदिन हो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कोई भी ऐसा प्रोग्राम हो तो पार्क में आए और एक पौधा लगाए। सभी को इस बरसात के मौसम में एक पौधा तो जरूर लगाना चाहिए, कम से कम एक पौधा तो सभी अपने हाथ से जरूर लगाएं, और जब पार्क में यहाँ पौधा लगता है उसके बाद जब भी कोई आता है तो वो देखता है कि अब इतना खुश होता है कि मेरे हाथ का पौधा लगा हुआ है, बहुत बढ़िया, और ये इसी के बहाने में एक यादगार बन जाती है जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। चड्डा साहब, आज जो कि दैनिक जागरण की मुहिम प्रकृति में निवेश जी के तहत आज जो कि पार्क में हम सब लोग जो कि पौधा लगाने आए हैं, ये पौधारोपण एक मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है जी 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 जी। जैसे कि गुरबानी में भी संदेश आया है, पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत, जो पवन ऑक्सीजन जिसको कि हम अपने नाक के जरिए से अपने अंदर ले रहे हैं, जो कि हमारे जीवन का आधार है, इस पवन को हमें गुरु के समान इसकी प्रतिपालना करनी चाहिए। पवन गुरु पानी पिता, और जो पानी है जो कि हमारे जीवन का आधार है, जिसको कि हमें जैसे पिता अपने पुत्र को अपने बच्चों को पालता है, ऐसे ही पानी जो है, जल है, वो हमें सबको पाल रहा है। पवन गुरु पानी पिता माता तर्द, वो जो धरती माता है, ये इसको माँ का सम्मान, माँ का दर्जा दिया गया, बहुत बढ़िया बात जी। इसको हमें हमेशा माँ के दर्जे के रूप से देखना चाहिए, हमें प्रकृति को, वह जल को और धरती को कभी भी, हमें इसको वातावरण के अनुकूल रखना चाहिए, कभी भी इसे प्रदूषण नहीं फैलाना चाहिए। यही आज के दिन की जो महत्ता है, जो कि प्रकृति में निवेश, जो कि इन्वेस्टमेंट नेचर,
जो कि आज जागरण दैनिक जागरण के तहत जो ये मुहिम चल रही है, इसमें सब हिंसा पाएं, वह अपने घरों में वह अपनी खाली जगह पर पौधे जरूर लगाएं, जो कि हमारी प्रकृति का आधार है। धन्यवाद। धन्यवाद चड्डा साहब जी। सिंह साहब, मैं सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत धन्यवाद करता हूँ, हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ कि आप सडोरा के और सारे इलाके की न्यूज़ को घर घर तक हर इंसान तक पहुँचा रहे हैं, और दैनिक जागरण का ही बहुत आभारी हूँ जिन्होंने ये पौधारोपण की स्कीम को चलाया है और आगे बढ़ाया है। मैं सभी सरोवर निवासियों से अनुरोध करता हूँ ये पौधारोपण करने के लिए सारे अपने अपने घरों में या जहाँ शमशान घाट में जहाँ भी जगह मिले वहीं पौधा लगाएं, और उनको पानी जल बचाने के साथ साथ ये पौधारोपण करना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद जी। और इसी मुहिम के तहत हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेता नवीन भसीन जी अपने हाथों से पौधारोपण कर रहे हैं, और साथ में सहयोग नरेश बख्शी जी और सरजीवन जी का भी सहयोग, साथ ही कुलविंदर सिंह चड्डा जी लगे हुए हैं इस मुहिम में। लगातार आज दिन भर पौधारोपण ये कार्यक्रम चलेगा दैनिक जागरण की इस मुहिम का, तो आप सभी भी इस मुहिम का हिस्सा बनकर पौधारोपण कीजिए और पर्यावरण को बचाने में सहयोग कीजिए।